आज से तीन महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई के के उनकी मम्मी वीडियो है उनके साथ में थी। आप ने का भी बहुत बढ़िया आ रहा है आपको देख के बहुत मजा आने वाला है तो सबसे पहले बात करूं उनके बिफोर कंडीशन की तो इनकी अप्रॉक्स जो है थ्री टू फोर में बाल्डनेस ग्रेड थी फ्रंटल लाइन काफी ज्यादा रिशेड हो चुका था एंड स्टिल लाइन खत्म थी कहीं ना कहीं के बाल थोड़े बड़े थे तो कवर करके ही रखते थे अच्छे से कोई उसमें दिक्कत नहीं था बट स्टिल इनकी मम्मी को जो है एक बात से प्रॉब्लम था वो ये कि ये कहीं पर भी शादी पार्टी में नहीं जाते थे एंड कहीं घूमने फिरने हुआ या फिर कुछ भी एंड ऑल एंड मम्मी को जो प्रॉब्लम ये थी कि भाई तू तो जाता क्यों नहीं देखो तो इनकी मम्मी बड़ी कूल थी जब मैं इनसे मिला भी था तो वो चीज़ मेरे को समझ में आ रही थी एंड एक दिन जो है भाई ने इरीटेट होकर दिखा दिया कि ले भाई ले मम्मी ये देख ले इस वजह से मैं नहीं जाता एंड इनकी मम्मी ने जो है इनको इंसिस्ट किया कि भाई तू जा और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा उन्होंने जो है आशीष भाई ने अपनी मम्मी को मेरी वीडियोज वगैरह दिखाई एंड फाइनली ही गॉट हिज हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर थ्री मंथ अब जो इनकी पूरी जर्नी थी ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ हेयर फॉल एंड हेयर लॉस दोनों में डिफरेंस है हेयर फॉल का मतलब है कि आपके बाल झड़ रहे हैं हेयर लॉस का मतलब कि बाल जा चुके हैं लॉस्ट हो चुके हैं अब इनकी जो कंडीशन है वो है थ्री टू फोर के बीच में अब बाल्टेट अकॉर्डिंग ही आपका हेयर लाइन बनता है आपके ग्राफ्ट लगते हैं एंड ऑल ठीक है जब इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ इनके पूरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ये ग्राफ्ट लगे हैं यहां पर मैं एक टास्क छोड़ के जाता हूँ कि आपको बताना है कि ये ग्राफ्ट जो है कितने हैं आपको कितने लग रहे हैं ये आपको क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज में ग्राफ्ट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ कि इनके इतने ग्राफ्ट लगे इनके इतने ग्राफ्ट लगे इनके इतने ग्राफ्ट लगे अब ये वीडियोज देखकर ये फोटोज देखकर आपको कितने क्राफ्ट लग रहे हैं एक अंदाजा लगाओ एंड फटाफट -फ़ड़ कमेंट में जाके कमेंट कर दो देन डेफिनेटली जब मैंने वीडियो पब्लिश किया यूट्यूब पर आप लोगों ने वीडियो को देखा तो कई सारे लोगों के कुछ परसेप्शंस थे लाइक एक कमेंट ऐसा था, था जहां पर एक आदमी कह रहे हैं कि यार इनका जो हेयर लाइन बहुत अच्छा बना है एंड ही गेट्स वेरी गुड रिजल्ट अब देखो ये बात कितनी इनकी प्रिडिक्शन कितनी सही थी कितनी गलत ये आपको आगे वीडियोज में दिख जाएगा बट स्टिल आपको भी ऐसा कुछ लगे दैन डेफिनेटली आप कॉमेंट किया करो बहुत सारे कॉमेंट थे इनके ठीक है बहुत सारे चीजें रहती है कॉमेंट आप लोग करते हो मज़ा आता है मुझे पढ़ के एंड कुछ प्रिडिक्शन होती है जो इन फ्यूचर क्या पता वो सही हो जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बोस्ट करेगा अब बिफोर हेड ट्रांसप्लांट आपने देख आफ्टर लिया ट्रांसप्लांट आपने देख ली हेड ट्रांसप्लांटेशन के दौरान कुछ प्रोसीजर होती है जिनको फॉलो करना होता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको धीरे 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 करके चीजों को सीखते सीखते आपको स्टिमुलेट करना होता है एंड उसका फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है अब सेवन डेज तक जो है क्या प्रोसीजर है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर उस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे बहुत शॉर्ट में बताते हुए चलूंगा आपको आफ्टर हेड वॉश मतलब आफ्टर सेवन डेज वॉश होता है आफ्टर हेड वॉश की जो कंडीशन थी डेफिनेटली बहुत बढ़िया दिख रहा था एंड हेड वॉश के बाद जो कंडीशन निकल के आती है उससे आप एक प्रोडिक्शन लगा सकते हो कि यार हेयर ट्राफ का जो रिजल्ट है वो बढ़िया आ सकता है या नहीं आ सकता है डेंसिटी आ सकती है या नहीं आ सकती है देखो आजकल जो है एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है सलमान भाई का तब सलमान भाई में क्या है जब हम यहाँ पर जाओगे क्योंकि मैं तो गया हुआ वहाँ पर तो आपको समझ में आया कि लोगों के रूसी रूसी से बाल तो आ रहे हैं बट यार हैवी ग्रोथ नहीं दिख रही है तो ये एक चीज यहाँ पर है कि ट्रांसप्लांटेशन से आपको एक हैवी ग्रोथ दिखती है आपके बाल वापस आते हैं ऑब्वियस है बहुत सिंपल सा भी है क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो एंड सलमान भाई जो है वो फ्री में करके दे रहा है आपको ट्रीटमेंट ठीक है अब 20 डेज की बाद की जो कंडीशन थी बहुत बढ़िया थी इनकी इनकी प्यार पीरू ने अभी तक दो कराया है ठीक है एंड बट स्टिल अभी मैं तीन महीने की बात करूं तो तीन महीने में जो इनका रिजल्ट है वो बहुत ही असम awesome तरीके से आ रहा है अच्छा अब इन फोटोज एंड वीडियोज को देखकर कुछ लोगों के मन में डाउट पैदा होगा कि यार इनका जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है तीन महीने में बट हमारा क्यों नहीं आया इवन मैं अपने अपने रिजल्ट से जब मैं मैं जब अपने हेयर ट्रांसफर्म कराया था जो मेरे तीन महीने का जो कंडीशन था उसके सामने इनसे कंपेरिजन करूँ तो मेरा रिजल्ट तो जीरो था मतलब फेल था

अलग अलग है हर किसी के डाइट हर किसी का मेंटालिटी अलग अलग है हर किसी का सोचने का तरीका बहुत अलग है तो इन पे जो फैक्ट काम किया है इनकी बॉडी ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया पहली चीज़ दूसरी चीज़ इनका जो है हो बहुत पॉजिटिव मेंटालिटी के हैं मतलब बहुत पॉजिटिव माइंड्स के हैं बहुत हैप्पी रहते हैं दूसरी चीज जिस वजह से इनकी बॉडी ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया एंड इनका रिजल्ट बेटर आ रहा है जबकि ये रिजल्ट है ट्रांसफर का तीन महीने में कुछ नहीं आता भाई तीन महीने बाद तो ग्रोथ स्टार्ट होती है ये तीन महीने में रिजल्ट आ रहा है देन वेरी गुड एंड आई डोंट नो कि भाई चार महीने पांच महीने बाद इनका कैसा क्या रिजल्ट आने वाला है अच्छा तीसरी चीज जो बहुत मेन है कि भाई आप क्या खा रहे हो खाने में और आप काम कैसे कर रहे हो तो इनका जो काम है वो मोटर बाइक का है बेसिकली ये मोटर बाइक वगैरह ठीक करते हैं इनका अपना खुद का काम है बहुत अच्छी बात है अपना काम करना भी चाहिए और एक चीज याद रखना भैया धंधा कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अच्छे से करो एंड मेहनत से करो आपको जरूर सफलता मिलेगी तो ये कुछ पॉइंट्स है एंड आपके रिजल्ट क्यों नहीं आते भैया तो आपकी बॉडी अलग हो सकती है रिएक्ट कर रही हो आपकी बॉडी थोड़ी सी जो है स्लो रिएक्ट कर रही है

होगा ऐसा तीन महीने का रिजल्ट आ सकता है बट इसलिए सबका नहीं आता तो आप ही अपने मन से कंफ्यूजन निकाल दो ये लक्की थे कि इनका आया है एंड आगे कैसा आएगा देखने वाला होगा मतलब आप भी देखोगे सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में थैंक यू